जय श्री राम, 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 जिंदगी राजा, हाय हाय, 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 जय श्री राम, 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 जिंदगी राजा, हाय हाय, 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 जिंदगी राजा, जिंदगी राजा, हाय हाय, जिंदगी राजा, हाय हाय, जिंदगी राजा, हाय हाय, जिंदगी राजा, हाय, जय श्री राम, 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 जिंदगी राजा, हाय हाय, जिंदगी राजा, हाय हाय, हाय हाय, जिंदगी राजा, हाय हाय, जिंदगी राजा, हाय हाय, इस कमरे के अंदर जन्म हुआ, कोई कहता भगवान राम है ही नहीं, इस तरह की बातें करके श्री राम जी के जो अस्तित्व है उसके विषय के अंदर विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। अब जमीन का विषय आ गया, जब ये देखा कि अब मंदिर बनने वाला है तब 2 करोड़ 2011 के अंदर तय हुआ, एग्रीमेंट हुआ अंसारी और उसके बीच के अंदर, और 2021 के अंदर 3 बार रेनोवेशन हुई उसकी, उसको रिन्यू किया गया और 4 बार जाकर के रजिस्ट्री हुई। अब उसमें भी सवाल कर रहे हैं ये रजिस्ट्री कैसे हो गई, क्यों हुई, किस विषय पर हुई, और ये सारी बातें हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राम मंदिर ना बने, राम मंदिर के अंदर अड़चन पड़े, राम मंदिर के विरोध के अंदर हुए, अब राम मंदिर बनने वाला है इसलिए विरोध किया जा रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। और याद रखो जो जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है, जो जो ये मुद्दे उठा रहा है, अरे तुम लोगों ने 1 रुपया भी चंदा दिया, तुम लोग कहीं हो ऐसे प्रश्न करके और इस तरह की बातें कर रहे हो। 2011 से लेकर 2021 तक और वाड्रा ने जो सौदे कर थे ईरान्या के अंदर वो क्या हुए, अब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, राम मंदिर के विरोध के अंदर कोई आवाज उठने वाली हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन